गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फिर से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन टैग का और वो आज पढ़ेंगे पार्ट फोर। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि रिगार्डिंग टू द सब्जेक्ट में रूल नंबर कौन था, एच आई आई था ना, ए बी सी डी एफ एफ था, एफ नंबर हम लोग पढ़े थे। ठीक है, और उसमें से पढ़े थे कि अगर जिस सब्जेक्ट देयर आता है, कोई भी मेन क्लॉज का सब्जेक्ट देयर आता है, तो क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट आता है वो क्या आता है, यहाँ पे देयर ही आता है। ठीक है, बाकी ऑक्सिलरी वर्ब जो यहाँ रहता है वो तो यहाँ रहेगा। ठीक है, ये हम लोग देखे थे इसके पहले रूल में, अगर सब्जेक्ट देयर रहा तो। लेकिन अभी हम लोग एक रूल लिखे हैं जी नंबर, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, समझेंगे। कह रहे हैं ये रिगार्डिंग टू द सब्जेक्ट, अभी पहला कहीं हम लोग जी तक पढ़े हैं और इसका शायद एक और रूल बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सेकेंड नंबर रूल में, जो रिगार्डिंग टू द भाग या जो कुछ भी था उसका। ठीक है, जी नंबर क्या कह रहा है, इफ रिक्वेस्ट और कमांड, यानी कि रिक्वेस्ट और कमांड कौन से सेंटेंस में पढ़े थे, हम लोग पढ़ लिए थे पहले भी, एक इम्परेटिव सेंटेंस पढ़े हैं जिसको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। रिक्वेस्ट होता है, कमांड होता है, सजेस्ट होता है, एडवाइस होता है, ये सारी चीज क्या होता है और भी होता है, लेकिन इतना लिखे वो सब इम्परेटिव सेंटेंस का होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ रिक्वेस्ट और कमांड इज इन मेन क्लॉज, अगर जो कोई मेन क्लॉज में, अगर जो कोई सेंटेंस का में, अगर जो वो रिक्वेस्ट और कमांड दिख रहा है, उसमें सजेशन दिख रहा है, एडवाइस दिख रहा है, ठीक है, तो यू विल बी द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, यू होगा। जैसे अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, डोंट गो आउट। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डोंट गो आउट। अच्छा, इसमें बताना है, इसके पहले मुझे जितना सारा रूल पढ़े थे ना, उसमें कहीं ना कहीं सब्जेक्ट रहता था, यू ही सी इट, मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ यू, मोस्ट ऑफ देम वगैरह, जितना सारा था ये सारी चीज हम लोग पढ़े, तो कहीं ना कहीं क्या था, सब्जेक्ट था, तो वही सब्जेक्ट को हम लोग इधर लिखते थे। लेकिन अभी यहाँ पे अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा इम्परेटिव सेंटेंस का, जिसे लिखा हुआ डोंट गो आउट, मतलब बाहर मत जाओ, तो इसमें सब्जेक्ट है, इसमें दिख रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, रूल कहता लगाएंगे यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यू ही क्यों होगा, यानी कि यू ही क्यों होगा, हम लोग इसमें आई वी दे ही है ना, ही सी इट कुछ भी तो लगा सकते हैं, ये सारे लगा करके नहीं लगा करके सिर्फ यू क्यों लगाए, क्योंकि एक ही समझना है इसमें, कोई यहाँ जो एग्जाम्पल हम लिखे हैं, डोंट गो आउट मतलब बाहर मत जाओ। अच्छा, ये जो बाहर मत जाओ, मान लेते हैं हम बोल रहे हैं कि बाहर मत जाओ, बोल किसको रहे हैं, बोल रहे हैं यू को, मतलब सेकेंड पर्सन को कह रहे हैं, तो जिसको बोला जाता है ना वही इसमें मेन सब्जेक्ट होता है, इसमें मतलब क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वही होता है, तो जाहिर सी बात है इंपरेटिव सेंटेंस में जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, और जो सेंटेंस जो बोल रहा है वो हमेशा सेकंड पर्सन को बोलता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे डोंट गो आउट मतलब बाहर मत जाओ, तो यू को बोले, तो जो यू को बोले तो सब्जेक्ट यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट यू हो जाएगा, मान लेते यहाँ हो जाएगा मेरा यू। लेकिन अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वर्ब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव वर्ब क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव वर्ब इसमें एक मिनट, यहाँ देखो एक ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा हम समझेंगे, यहाँ पे हो जाएगा मेरा विल हो जाएगा। अब विल क्यों होगा इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जी नंबर का एक नोट में यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, एक नोट में लिख लेना है कि विल विल इज यूज्ड एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, बस इतना ही, मतलब कि जो ऑक्सिलरी वर्ब के जो रूप में जो यूज होगा ना वो क्या होगा, हमेशा विल होगा। ठीक है, विल होगा, क्यों होगा विल, अगर कह रहा डोंट गो आउट मतलब बाहर मत जाओ, अगर इसका हम लोग हिंदी ट्रांसलेट करेंगे पूरा, डोंट गो आउट विल यू, मतलब क्या तुम बाहर नहीं जाओगे ना, ऐसा हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो फ्यूचर में आ जाता है, इसलिए तुम बाहर नहीं जाओगे ना, ऐसा सेंटेंस आएगा। ठीक है, एक और लिखते हैं, प्लीज हेल्प मी, क्या होगा, प्लीज हेल्प मी, अगर ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, प्लीज हेल्प मी, तो हेल्प मी मतलब क्या कर रहा है, ये इंपरेटिव सेंटेंस का, इसमें क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा वॉन्ट यू, आप बताना वॉन्ट क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि इधर क्या है मेरा अफर्मेटिव है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। एक और लिखते हैं, डू दिस वर्क,
डू दिस वन, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा इसमें, विल यू, सॉरी विल यू नहीं, वॉन्ट यू, वॉन्ट यू, ठीक है। तो ये रूल नंबर थ्री था, अभी हम लोग इसके आगे एक और लास्ट रूल है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी एस नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है, जी नंबर देख लिए। एस क्या है, कह रहा है कि इफ एनी नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ मेन क्लॉज, मेन क्लॉज का सब्जेक्ट कोई नाउन है, नाउन और प्रोनाउन में अंतर होता है ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ मोहन, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ ही, तो ये मेरा प्रोनाउन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, नाउन, यानी कि कोई नेमिंग वर्ड हो गया तो वो नाउन है। तो कह रहा है कि मेन क्लॉज का कोई भी सब्जेक्ट अगर जो नाउन होता है, ठीक है, तो प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टेंस अकॉर्डिंग टू द नाउन, मतलब क्या है कि ये नाउन है ना, अकॉर्डिंग टू द नाउन मतलब सब्जेक्ट, मेन क्लॉज का जो सब्जेक्ट जो नाउन है उस नाउन के अनुसार से प्रोनाउन यूज होगा क्वेश्चन टेंस का सब्जेक्ट में। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं क्या कह रहा है कि रामू इज माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, दैट्स क्वेश्चन मार्क। तो ये बताना ये रामू क्या है, मेरा ये नाउन है, ठीक है, तो इस रामू के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, ही आएगा ना, ही होगा। अगर जो मान लेते हैं किसी का नाम लिख लिया, अगर शीला लिखे हैं तो शीला के लिए क्या आएगा, सी आएगा, है ना। अगर जो मान लेते हैं कि मोहन एंड सोहन लिखे हैं तो मोहन एंड सोहन के लिए क्या आएगा, दो नाम है तो उसका थोड़ा प्लुरल हो जाएगा, इसका दे आएगा, ठीक है। तो यानी कि उपयुक्त जिसके मतलब जो नाउन होता है उसके अनुसार से जो प्रोनाउन होता है उसको हम लोग क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट यूज करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट होता है वो कभी नाउन नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या होगा, इज है, यहाँ इजेंट लिखेंगे, इजेंट के बाद रामू है, रामू के लिए क्या लिखेंगे, ही, है ना कि रामू। अगर रामू लिख देते हैं ना तो ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हमेशा जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा जो नाउन सब्जेक्ट यूज होता है वो प्रोनाउन ही यूज होता है, ठीक है। एक और लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं शीला वाज माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, एक और एग्जांपल लिखे हैं। अभी सेम चीज है, अभी यहाँ शीला है तो शीला की क्या होगा, सी हो जाएगा, लेकिन यहाँ वाज है, यहाँ हो जाएगा क्या, वाजेंट हो जाएगा, वाजेंट और सी। एक और लिखते हैं, ठीक है, मोहन पूरा लिख लेते हैं, मोहन एंड सोहन आर लीडर्स, मोहन और सोहन क्या लीडर्स हैं, तो मोहन और सोहन नेता है ना, ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ आर है, यहाँ हो जाएगा क्या, आर हो जाएगा, और मोहन और सोहन दो नाउन है, प्लुरल हो गया, तो और थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का प्लुरल में प्रोनाउन क्या होता है, पहले बताए थे, होता है दे, यहाँ हो जाएगा दे, ठीक है। ये यहाँ पे मेरा रूल्स रिगार्डिंग टू द सब्जेक्ट का खत्म होता है, यस तक हम लोग का रूल्स था। अभी जो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो रूल्स रिगार्डिंग टू द क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है। अभी हम लोग रिगार्डिंग टू द सब्जेक्ट देख लिए, आज यही पे खत्म करते हैं, आज दो ही रूल्स पढ़े, ठीक है, यही पे खत्म करते हैं। कल रूल्स रिगार्डिंग टू द वर्ब से जो स्टार्ट करेंगे उसका कुछ दो चार वीडियो और बनेगा, उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन टाइम खत्म होता है, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, जिस किसी को प्रॉब्लम हो रहा है वो ग्रुप में या तो फिर डायरेक्टली आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है, और जो जो नहीं बना रहा होमवर्क बना करके और लाना है, दिखाना है, ठीक है। तो इतना आज के लिए, इतना ही, प्रिपेयर करें अच्छा से, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।